आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के मैथ्स का एक्सरसाइज 2E, जिसमें ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें डिवाइजिबिलिटी टेस्ट किस तरह चेक करते हैं, जैसे 2 का 3 4 5 का। तो आज हम डिवाइजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 2 3 4 एंड 5, ये यहाँ तक हम चेक करते हैं। फिर उसके बाद हमें एक्सरसाइज 2E करना है। तो सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइजिबल होता है या नहीं होता है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन ही होगा, अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2। कोई भी नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल 100 हो या 105 107 हो, इन नंबर्स को अगर हमें चेक करना है कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इफ द डिजिट्स एट वंस प्लेस, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल इस नंबर के जो वंस प्लेस है वो 5 है, इस नंबर के वंस प्लेस पे 7 है, यहाँ पे 0 है, तो इस किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर जो भी नंबर है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, अगर इन नंबर्स को 2 से डिवाइड होता है तो पूरे नंबर को 2 से डिवाइड होगा। अगर इस वंस के प्लेस पे जो नंबर है इसको अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो पूरे नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा है, जैसे 16 है, 10 है, 54 है, 1064 है, तो इन नंबर्स को हमें ये चेक करना है कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है यहाँ पे जो वंस प्लेस है, ये वंस है, ये टेंस है, ये वंस है और टेंस है, ये वंस है हमारा, ये टेंस है, और ये वंस है, टेंस है, 100 है और ये 1000 है। तो हमें बाकी किसी भी नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ वंस के प्लेस वैल्यू को देखना है। जैसे यहाँ पे 4 है, तो इस 4 को 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरे 1064 को 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे हमारे पास वंस के प्लेस पे 4 है, तो इस 4 को 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 54 को भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे हमारे पास वंस के प्लेस पे 0 है, इस 0 को 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब इस 10 को भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 16 है, 16 के वंस के प्लेस पे जो 6 है, इस 6 को 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 16 को भी 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 107, ये जो वंस के प्लेस पे जो 7 है, इस 7 को 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इस 107 को 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यही मेथड है हमें किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसके लिए हमें वंस के प्लेस वैल्यू को देखना है। जैसे मेरे पास कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 10573, तो ये नंबर है, इस नंबर को मुझे चेक करना है कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके वंस के प्लेस वैल्यू को देखूंगा। वंस के प्लेस वैल्यू पे यहाँ पे 3 है, इस 3 को 2 से डिवाइड नहीं होता है, जब इस 3 को 2 से डिवाइड नहीं होता है तो पूरे नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होगा। यही मेथड है हमारा 2 से चेक करने के लिए। अब हम आते हैं 3 पे। थ्री से चेक करने के लिए हमारे पास कोई भी नंबर गिवन होगा, एनी नंबर, कोई भी नंबर गिवन होगा, उसको हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई नंबर होगा, जैसे 1 6 5 3 4 6 8 5 7 2 3 4 या 53 36, इन नंबर्स को हमें चेक करना है कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जितने भी डिजिट्स है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 2 डिजिट्स है, तो इनको चेक करने के लिए हमारे पास जितने डिजिट्स है उनको सबसे पहले सम करना होगा, प्लस करना होगा। जैसे हमारे पास 165 है, इस 165 को 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इस 165 को प्लस करना होगा, 1 + 6 + 5, यानी कि इन तीनों डिजिट्स को प्लस सम करना है, तो 6 5 11 11 + 1 = 12। इसके बाद जो सम करने के बाद जो नंबर आते हैं, जो आंसर आते हैं, उसी नंबर को देखना है कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 12 को 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब इस 165 को 3 से डिवाइड होगा, यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे यस, 165 इज डिवाइजिबल बाई 3। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड नंबर है 3 4 6 8 3 4 6 8
इसको ये देखना है कि इसको 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हमें पहले इन चारों डिजिट्स को प्लस करना होगा। 3 + 4 + 6 + 8 इज इक्वल टू 6 × 4 = 10, 10 + 8 हो गया 18, 18 + 3 = 21। अब इस 21 को 3 से डिवाइड होता है या नहीं, हमें ये चेक करना है। 21 को 3 से डिवाइड नहीं होता है। इस वैसे होता है जैसे कि 3 7 21 तो डिवाइड होता है, इसका मतलब इस 3 4 6 8 को भी 3 से डिवाइड होगा। सिमिलरली हम चेक करेंगे यहाँ पे 34 को चेक करने के लिए डिवाइजिबल बाय 3 है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हमें 3 + 4 इज इक्वल टू होता है 7। तो यहाँ पे जो 7 है, इस 7 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 34 इज नॉट डिवाइजिबल बाय 3, नॉट डिवाइजिबल बाय 3। ये हो गया हमारा 3 के साथ। अब हम आते हैं 4 पे। डिवाइजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। 4 के साथ चेक करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल 4 6 8 5 4 3 9 0 2 5 6, इस तरह का कोई नंबर से हमें इन नंबर्स को 4 से डिवाइजिबल होता है या नहीं होता है उसको चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट टू डिजिट्स। लास्ट टू डिजिट्स का मतलब ये लास्ट टू डिजिट्स, यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे ये लास्ट टू डिजिट्स और ये दोनों। तो लास्ट टू डिजिट्स के जो नंबर है उनको अगर 4 के साथ डिवाइड होता है तो इस पूरे नंबर को होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले 4 6 8 को चेक करने के लिए 68 को 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो हम 68 को चेक करेंगे 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब हुआ ये ना, 4 6 8 को 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब जब 68 को इस 4 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब पूरे 4 6 8 को 4 से डिवाइजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि यस 4 6 8 इज डिवाइजिबल बाय 4। सिमिलरली अगर 54 को चेक करना है तो लास्ट टू डिजिट तो इसका 54 ही है, तो हमें 54 को इस तरह से चेक करना है 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर रहता है, इसका मतलब 54 को 4 से डिवाइड नहीं होता है। और इसी तरह से यहाँ पे 0 और 2 है, 3 9 0 2 के लास्ट 2 डिजिट जो है 0 और 0 एंड 2 है, तो इस 0 और 2 को 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हमारे पास जो 2 है इस 2 को 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे लास्ट 2 नंबर्स था 0 और 2 था, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 9 0 2 इज नॉट डिवाइजिबल बाय 4। तो ये हो गया हमारा 4 का। इसके बाद डिवाइजिबिलिटी पे अगर हम 5 की बात करें तो 5 तो सिंपल है, किसी भी नंबर की लास्ट 2 नंबर जो है लास्ट लास्ट पे यानी कि एंड पे, यहाँ पे अगर लास्ट 2 नंबर जैसे कि 4 6 5 0, लास्ट नंबर पे अगर 0 है या 5 6 3 7 5, लास्ट किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट जो है ये वंस प्लेस कहे या लास्ट डिजिट कहे, इस वंस प्लेस पे अगर 0 हो और 5 हो तो इन दो पूरे नंबर्स को 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 6 8 7 6 7, इस तरह का कोई नंबर होगा, यहाँ पे वंस के प्लेस पे 7 है तो इसको 5 से डिवाइड नहीं होगा। किसी भी नंबर के लास्ट पे अगर लास्ट डिजिट पे या वंस के प्लेस पे 0 और 5 है तो इन दोनों को, इन नंबर्स को, पूरे नंबर्स को 5 से डिवाइजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये था हमारा डिवाइजिबिलिटी टेस्ट 2 3 4 एंड 5 का। अब हम नेक्स्ट के कल के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2E से। तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोग
इसके अलावा यहाँ पे एक्सरसाइज 2E में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, इन दोनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये 1 और 2 को ट्राई कर सकते हैं आप। ये आपका होमवर्क है, आपको करना होगा इसमें से कुछ क्वेश्चंस। तो इसी डिवाइजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू, इसी डिवाइजिबिलिटी टेस्ट के जरिए आप इन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2E में जो भी क्वेश्चन बचते हैं या जो क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।